शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 45 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया। इसी को लेकर SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह अपने अधीनस्थ अमले के साथ शनिवार रात को एक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों को SP ने रोका, उन्हें टोका और पहनने के लिए मास्क भी दिए। फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से निकला, जिसमें पुलिस कप्तान खुद पैदल फ्लैग मार्च में शामिल थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर लोगों को पुलिस कप्तान ने खुद मास्क पहनने के लिए समझाइश दी और आगे से मास्क को पहनकर निकलने की हिदायत भी दी। SP ने अगली बार मिलने पर मास्क पहनकर रखने की बात लोगों से कही। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि इंदौर और उज्जैन शहर के नजदीक है, जहां रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। अब इन शहरों से आने वाले लोगों के लिए एंट्री के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद ही शहर में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर मौके पर जुर्माना कर अस्थायी जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, आम जन में जागरूकता पैदा करने, उनको मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रोज पुलिस की गश्त निकलती है। इसमें हम लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं और जो लोग नहीं मानते उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, स्पॉट फैन की कार्रवाई करते हैं और कभी कभी उनको ओपन जेल भी भेजते हैं। इसी क्रम में अब आगे आने वाले दिनों में वीकेंड पर कल और परसों और भी सख्ती रहेगी। हम लोग चेक पॉइंट्स लगाएंगे वहाँ से निकलने वाले लोगों को, यदि लोग बिना मास्क निकलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से इंदौर शहर में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, तो देवास शहर में भी इसी की तर्ज पर कुछ किया जाएगा? नहीं, कर्फ्यू नहीं, लेकिन हम सख्ती दिखाएंगे ताकि लोग सोशल नॉर्म्स, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। मार्केट में बेवजह नहीं घूमें, घरों से बेवजह नहीं निकलें और लोग सामूहिक कहीं पर सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे नहीं हों, मास्क के बिना इकट्ठे नहीं हों। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो अपने घरों से बाहर निकलें, जब भी सार्वजनिक मार्केट प्लेसेस में जाएँ, तो हर हालत में उन्होंने मास्क पहन रखा हो। सर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और झाबुआ चेक पोस्ट बनेंगे कुछ? हमने ये प्लान किया है कि आने वाले दिनों में वीकेंड पर हम लोग पूरे शहर भर में 8-10 चेकिंग नाका लगाएंगे। वहाँ से जो जो लोग बिना मास्क के निकलेंगे उनके ऊपर फाइन करेंगे, उनको ओपन जेल भेजेंगे। ये भी हम प्लान कर रहे हैं कि इंदौर और उज्जैन की तरफ से आने वाले जो मुख्य मार्ग हैं उन पर हम लोगों की चेकिंग करें, उन पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको स्क्रीन करें और उसके बाद ही शहर में प्रवेश करें। सर, इसी तरह की कार्रवाई रेलवे पर भी लागू रहेगी आपकी? रेलवे स्टेशन पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, विशेषकर महाराष्ट्र की तरफ से जो ट्रेन आ रही हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनसे आने वाले यात्रियों को हम लोग स्क्रीन करके शहर में प्रवेश दें। हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने हेतु जागरूक करें। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।